फ्रेंड्स आज हमारे पास आ चुके हैं न्यू नवेलिया निंजा 300 मेरा इससे नहीं शॉर्ट कर दिए हैं लीवर होंगे इसके प्रॉपर फिटिंग वाले कोई जुगाड़ नहीं सिंपली इजी टू फिटिंग मिलेगी फिर विंगलेट को मिलता शॉक प्रोटेक्शन बॉक्स का फ्रेम स्लाइडर विद केसिंग क्वालिटी जो भी मिलेगी मोटो जीनियस का तो इसलिए आपका आईफोन आज हमारे पास आ चुके निंजा 300 और इसके अंदर मॉडिफिकेशन है टू जेड 1 2 ऐसा कुछ नहीं है जो कि मतलब छोड़ने वाले पहले देख लो कितने बंदे लगे हुए 1 2 3 और ये 4 समझ गए तो ये रात का समय रात में क्या होता है ऐसा ही होता है यहाँ पर जो काम होता है 2 से 3 घंटे का वो ज्यादा 1 से 1.5 घंटे के अंदर क्योंकि सारे बंदे लगे जाते हैं सारे हमारे स्पेशलिस्ट जैसे देखो मिस्टर दिलशाद ये है मिस्टर दिलशाद अंग्रेज वाला ये दिलशाद बाबू जी उसके अंदर लग रहे हैं शॉक प्रोटेक्शन ग्रीन कलर के फॉक्स लाइटर ग्रीन कलर के लीवर ग्रीन कलर के एंड मोटो जीनियस ओरिजिनल 150 वाट की हेडलाइट एलईडी ये भी इसके अंदर लग रही है साथ में सेफ्टी के लिए देखेंगे इसके अंदर रेडिएटर गार्ड सिमटेक का हैजार्ड एंड इसके अंदर लगेंगे आपके मिरर टेनर वाले और केसिंग भी स्लाइडर ये भी इसके अंदर रहेंगे और बाकी अब इसके अंदर क्या ऐड करते हैं हम क्या लीवर गार्ड गार्ड ऐड होगा एंड लीवर गार्ड के साथ आपको जैकेट और भी बहुत कुछ मतलब इसके अंदर टोटल काम सारा करने वाले हैं तो भाई साहब थोड़ा मिलवाए थे कि भाई साहब कहाँ से और कैसे हैं तो भाई साहब कैसे हैं आप लोग और कहाँ से आए हो रोहिणी से तो सीधा यहाँ पर कैसे पहली बार आए हो बिना किसी वीडियो देखकर तो झूठ बोल रहे थे ऐसी आ गए तो ये वीडियो देख कर आए भैया तो उसी आ रहे हैं क्योंकि इनको कराना था काम लाए थे और इसके लैमसन के लिए आएंगे अगली बार क्योंकि अभी रात हो गई है और लैमसन का काम होगा दिन में क्यों भी ऐसे ही करो ना चलो जी तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर दिखाया था कि इसके अंदर मैंने निकाल रखा था बहुत सारा सामान जो कि अंदर मैंने इसके फिट करना था और बाइक आई है बिल्कुल न्यू ब्रांड लाइक शोरूम से जैसे टीका भी अभी उतरा नहीं है एंड बाइक भी चली है 57 किलोमीटर जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया और अब इसके अंदर दिखाता हूँ आपको ऑल अबाउट मॉडिफिकेशन के हमने क्या क्या किया गया है तो करते हैं हम स्टार्ट ऊपर से ही जैसे कि आप देख सकते हो टेनर स्टार वाले मिरर इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं और ये मिरर आपके टेनर वाले मिरर होते हैं जिसमें आपको पता है पहले इसकी पन्नी उतारता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको ये देखिए दिख रही है आप पन्नी उतरने के बाद रोशनी आपको दिख रही है कुछ इस तरीके से ये उतर चुके हैं इसके और इसके बाद देखो इसकी रोशनी किस तरीके से आ रही है इसकी और आपको इधर भी मिलेगी उधर भी मिलेगा इंडिकेटर इसके अंदर साथ में जिसके मिरर है ना वो होते हैं एडजस्टिंग वाले जैसे कि अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो कहीं पर भी जैसे कि आप देख सकते हैं कार वाले मिरर होते हैं जो कि टेनर वाले हैं इसके अंदर आपको पूरी विजिबिलिटी आती है बैक साइड की और आपके जो मिरर हैं इसकी काफ़ी हैवी क्वालिटी है प्रीमियम क्वालिटी के फिटमेंट भी आप देखो फिटमेंट काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन तरीके से की गई है इसके अंदर और साथ में इसमें लगा देंगे हैजार्ड एंड इंडिकेटर बल्ब हैजार्ड बल्ब तो देख सकते हो आप ये ब्लिंक हो रहा है देखिए राइट लाइट पुश करूँगा पैटर्न्स हो जाएंगे चेंज ये हो गया आपका हैजार्ड जो कि मिलता है आपको 1 ईयर गारंटी वाला पूरा सिमटेक ओरिजिनल नीचे आपको देखने मिलेंगे इंडिकेटर बल्ब ये भी आपको मिलेंगे सिमटेक के ओरिजिनल एलईडी वाले जो क्योंकि इसके अंदर आपको पता है हैलोजन बल्ब आते हैं जिनकी रोशनी इतनी खास नहीं होती है तो ये लगाने से रोशनी भी बढ़ जाती है और रोशनी की क्वालिटी तो बढ़ी जाती है और इसकी मिलती है 3 साल की गारंटी और इसके बाद आपको मिलेंगे इसके अंदर लीवर जो कि आप देख सकते होंगे इसके प्रॉपर फिटिंग वाले कोई जुगाड़ नहीं सिंपली इजी टू फिटेड है जो कि आप देख सकते हो ये इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं और ये हैं आपके फोल्डिंग प्लस एडजस्टिंग देखिए फोल्डिंग प्लस एडजस्टिंग वाले ये आपके लीवर होते हैं इस तरफ भी एंड इस तरफ भी अगर गाड़ी इनकेस गिरती भी ना तो आपके लीवर टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी क्योंकि ये हो जाते हैं आपके फोल्ड और उसके बाद आपको देखने मिलेगी इधर विंगलेट जो कि ग्रीन कलर की बाइक है तो ग्रीन ही लगा दिए विंगलेट जिससे लुक हो जाता है काफ़ी ज़्यादा नाइस क्योंकि आप देख सकते हो सेम इसकी शेप के अंदर ये मैच कर जाती है आपकी विंगलेट और ये आपके निंजा 300 की जर्मन वाली जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है इसके बाद आपको मिलेगा इसके अंदर शॉकर प्रोटेक्शन फॉक्स लाइटर हो जाता है शॉकर सेफ हो जाता है इधर आपका ABS प्लेट एंड डिस्प्लेट ये होता है पुरतरे सेफ और लुक की बात करें तो लुक काफ़ी इनहेंस हो जाती है इसे लगने के बाद ग्रीन बाइक है ग्रीन लगा दे इसके अंदर बाइक कलर की टेंशन नहीं कोई नहीं है कलर आप इसमें कोई भी ले सकते हैं इसमें लगा दिया रेडिएटर गार्ड जो कि आपको मिलता है निंजा की ब्रांडिंग वाला ये आपको मिलती है MS के अंदर जिससे आपका रेडिएटर होता है पूरी तरह से क्योंकि जब भी आप राइड करते हो ना राइड करते हो कहता पत्थर वगैरह कुछ भी आके रेडिएटर पर लग जाता है और रेडिएटर होता है इसका सेंसिटिव पार्ट अगर वो ब्रेक हुआ तो आपकी बाइक हो जाएगी वहीं पर स्टॉप क्योंकि वो कूलेंट लीक होने के बाद ओवरहीट होकर गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं इसलिए इसके अंदर लगाए थे रेडिएटर गार्ड और अब बात करते हैं दूसरी सेफ्टी की तो देख सकते हो इसमें लगा दें फ्रेम स्लाइडर विद केसिंग ये देखिए अंदर दिखाएंगे पहले आपको ये देखिए अंदर दिख रहा है वो केसिंग ये होती है आपकी केसिंग जो कि आपको मिल जाती है यहाँ से लेकर यहाँ तक
पूरी प्रॉपर केसिंग होती है इसकी जो इसके अंदर मिल जाता है, चेसी टू चेसी लगती है, किसी भी इंजन के पार्ट में नहीं लगती है। ये आपका चेसी से अटैच होती है आपकी, और साथ में लगाते हैं स्लाइडर जो कि मिल जाते हैं लॉन्ग वाले, जिससे गाड़ी इन केस आपकी गिरती है ना तो आपकी बाइक होता है पूरी तरह सेफ, इस तरफ से भी एंड इस तरफ दोनों तरफ लगा देंगे आपके। कलर की बात करी जाए तो कलर इसमें ब्लैक लगाया गया, आप चाहो तो ग्रीन ले सकते हो, रेड ले सकते हो, ब्लू ले सकते हो, ग्रे ले सकते हो, या गोल्डन भी ले सकते हो। सारे कलर इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल है इस स्लाइडर के अंदर, और फ्रेम स्लाइडर आपके हैवी वाले बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी हैं, जिससे आपकी पूरी बाइक होता सेफ, फेयरिंग सेफ होगी, टैंक सेफ हो गया एंड आपको खुद के हो गए लैग्स भी सेफ। और उसके बाद इसमें दिखाता हूँ आपको क्या, इधर आइए, ये मिलेगा आपको टैंक पैड, ये भी इसके अंदर लगा देगा जिससे आपको टैंक होता पूरी सेफ। और उसके बाद बात करते हैं लैमिनेशन की, तो उसके अंदर लैमिनेशन भी कर दी गई है जो कि आप जज नहीं कर सकते लैमिनेशन की है नहीं की गई है। इसका मतलब है कि आपकी बाइक हुई पूरी प्रोटेक्ट, इस तरफ से ले लो चाहे इधर से ले लो, चाहे आपका फेयरिंग ले लो या ले लो आपका मड़गार्ड है या आपका मड़गार्ड। तो ये आपका सारा प्रश्न होता है पूरी तरीके से लैमिनेशन से। और उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर आपकी क्या, तो स्पूल्स की, इधर ये दिखा दो, रियर स्पूल्स लगा देंगे। इसे लगाने से क्या होता है, जब भी आप राइड करते हो ना और कहीं भी खड़ी करनी हो, खड़ी करने का मतलब ये होता है कि नॉर्मल साइड स्टैंड पर लगाते हो, अगर आप चेन लुब्रिकेंट बना है, चेन क्लीन करनी है, तो उस केस में क्या करना होता है, इसमें पेडॉक की यूज़ करना पड़ता है। और ये होता है आपके पेडॉक स्पूल्स जो कि आप लगा कर कहीं भी आपकी बाइक में कहीं पर भी स्क्रैच नहीं आएंगे। इस तरफ भी लगाए सेम लगा आपका, इस तरफ भी देखिए दोनों तरफ का लगा देगा आपका स्पूल्स, ये देख सकते हो। और इसके बाद इसमें देखने मिलेगा आपको साइड स्टैंड जैकेट जो कि निंजा की ब्रांडिंग का मिल जाता है आपको, देखिए निंजा की ब्रांडिंग का आपको मिल जाता है इसके अंदर देखने को। ये आपका साइड स्टैंड जैकेट जो कि इसमें इंस्टॉल कर देगा, स्टेनलेस स्टील है, इसे लगाने से तो आपकी बाइक ना स्टेबल खड़ी रहेगी, देखिए बाइक आपकी स्टेबल खड़ी रहेगी, ऐसा नहीं कि ज़्यादा झुकी है ज़्यादा ऊपर है, और साथ में ना इसमें जंग भी नहीं लगेगा और आपका स्टैंड भी बिल्कुल भी नहीं घिसेगा। और इसका स्टैंड थोड़ा पतला था तो उससे क्या होता है जब भी आप खड़ी करते हो तो कंकर पत्थर वगैरह बजरी और कुछ भी होता ना तो घुस जाता है स्टैंड अंदर, बट अब वो प्रॉब्लम होगी आपकी सॉल्व। और इसके बाद इसके अंदर आपको देखने मिलेगी इसके अंदर LED जो कि मिलेगी मोटो जीनियस ओरिजिनल 150 वाट की रोशनी, आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आती है इसकी, ये देखिए ये आपको रोशनी मिल जाती है किस तरीके। ये आपका हो गया हाई पॉइंट, ये आपका हाई, ये आपका लो, हाई ये लो, देख रहे हो अभी दिन का समय नहीं रात का समय है लेकिन अंदर है और अंदर लाइटें बहुत सारी है। इस केस में आपको नज़र तो बहुत अच्छा आ रहा है बट जब रोड पर निकलेगी ना वहाँ पर जो इसकी विजिबिलिटी आने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रोशनी आएगी आपकी निंजा 300 के अंदर। और इसके बाद अब बुलाता हूँ भैया को, जिन भैया की ये बाइक है उनको कैसा लगा काम करा कर। जब आए थे थोड़ा सा ये था कि भैया आए हैं अभी तो जस्ट खुली है देखते हैं अच्छा है लेकिन होगा फिर भी देंगे, तो भैया से रिव्यू पूछ लेते हैं कि भैया का रिव्यू कैसा है कैसा नहीं है। आइए भैया, भैया कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, कैसा लगा आपको काम वगैरह? मुझे बढ़िया लगा बदू, ऑल सेटिस्फाइड बिल्कुल ओके, बढ़िया काम हुआ। प्राइसिंग वगैरह, क्वालिटी वगैरह, रेट, क्वालिटी वगैरह सब बढ़िया मुझे लगा, किसी चीज़ में क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आई, ओरिजिनल पार्ट लगे हैं, कोई किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे को 1 घंटे के अंदर मेरी बाइक बन के मिल गई, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर। कितने बंदे लगे आपकी बाइक में? 5 बंदे, समझ रहे हो आप। ये 8 बजे आए थे, मतलब ऑलमोस्ट आने वाले थे हम, हमने सोचा कि चलो 8:15 तो हम चले जाते हैं ज़्यादातर, अगर वो काम नहीं है तो काम होता तो कोई दिक्कत नहीं, 12 बजे बैठा में कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया 8 बजे आए थे और अब टाइम क्या हो रहा है भैया? 9:25 और जिसमें कि 15 मिनट में वीडियो बनाते हो गए। हाँ, तो मतलब 1 घंटा 10 मिनट बाइक, भैया की बाइक रेडी हो, 5 बंदे इस बाइक में लग गए और बाइक पूरी रेडी हो चुकी है और भैया की खुशी का ठिकाना नहीं है ऐसा मुझे दिख रहा है। जल्दी फ्री हो गया, मैं जा रहा हूँ। अब भैया कहीं भी जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए, क्योंकि नाइट में गए तो नाइट में राइड करना ज़्यादा मज़ा आता है ऐसी बाइकों पर खासकर। कल तो अब कहाँ जाने के रहता है नाइट में? अभी तो फिलहाल घर ही जाना है। घर ही जाना है, रास्ते में कहीं रुकना नहीं? अरे भाई खाना वाना नहीं खाना रास्ते में? ना ना, घर ही। हाँ घर ही। चलो भैया घर ही, कहाँ से आए घर आप? घर आप सावा डेरी, सावा रोहिणी। हाँ जी, चलो जी। तो भैया ऑल ओवर सेटिस्फाइड है आपके? हाँ जी। मतलब और हमारे कोई भाई बंधु ऑल इंडिया, तो क्या रिकमेंडेशन रहेगी आपकी? मेरी रिकमेंडेशन रहेगी सभी भाई हमारी इस शॉप पर विजिट करें, आपकी तरफ से काम बहुत बढ़िया होता है। चलो जी, भाई ने बोल दिया, आपको पता ना क्या करना। थैंक यू सो मच सर। तो ये था भैया इस बाइक के ऑनर जो कि न्यू नवेली बाइक लेकर आए थे और आते इन्होंने सारा काम जो हो सकता है करवा लिया। नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसका शायद भैया एग्जॉस्ट के लिए आएंगे, भैया के ना फर्स्ट सर्विस के बाद आएंगे, क्योंकि अभी बाइक नई है तो नई में थोड़ा सा होता है कि भैया अभी नहीं बाद में कराएंगे एग्जॉस्ट वगैरह। तो फिर आपको इसकी एक बार दूसरा पार्ट भी देखने को मिलेगा जल्दी। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करने के लिए करना पता क्या आपको, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपके भाई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो ब्लॉग्स लाता रहता है। चैनल का नाम है राजू भाई एसकेडी जो कि आप देख ही रहे हो, चाहे इंस्टा हो चाहे आपका यूट्यूब, और लोकेशन और एड्रेस सब कुछ हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप चाहो तो वहाँ से निकाल सकते हो, आ सकते हो आपकी अपनी शॉप राजू भाई की शॉप पर। और अगर जो आपको कोई भी क्वारीज वगैरह हो
कोई भी सामान मंगाना हो, ऑल इंडिया डिलीवरी भी हमारी, आप चाहे तो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, जो भी आपको सामान चाहिए घर बैठे आ जाएगा आपका कोई भी सामान आपकी बाइक का, चाहे नॉर्मल बाइक हो, चाहे सुपर बाइक हो, चाहे वो आपकी स्कूटी, जैसे कि हर वीडियो में बोलता हूँ मैं। तो ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।